किल्ल्यार्क परिसरातील पंचकुआ कब्रस्तानची पडलेली संरक्षक भिंत नव्याने बांधून देण्याच्या मागणीकडे मनपा दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. शहरातील किल्ल्यार्क परिसरात असलेल्या पंचकुआ कब्रस्तान शेजारी असलेल्या नाल्यामधील संरक्षक भिंत पडल्यानं कब्रस्तानमध्ये मोकाट जनावरांचा वावर वाढला आहे. नाले सफाईच्या कामासाठी महापालिकेच्या वाहनांची नेहमी या भागात वर्दळ राहत असल्यानं आज कब्रस्तानचे प्रवेश गेट अचानक ढासळल्यामुळे पंचकुवा कब्रस्तान उघड्यावर पडलं आहे. कब्रस्तानच्या तुटलेल्या भिंतींमुळे नाल्यातील कचरा इथे पोहोचतो आहे. मुस्लिम धर्मीयांच्या भावना दुखावत असल्याप्रकरणी पंचकुवा कब्रस्तानची तुटलेली संरक्षक भिंत नव्यानं बांधून देण्याच्या मागणीसाठी महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही मनपा प्रशासन तक्रारीची दखल घेत नसल्याची माहिती पंचकुवा कब्रस्तान कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी MCNशी बोलताना दिली आहे. पंचकुवा कब्रस्तानची ढासळलेली संरक्षक भिंत उभारण्याच्या संदर्भामध्ये महापालिकेने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली असून कब्रस्तानची संरक्षक भिंत उभारण्याबाबत मनपा प्रशासन काय भूमिका घेणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. कॉर्पोरेशन जो है ये इनका GCP आया, इनका ट्रक आया, पूरी कब्रिस्तान की भिंत गिरा दी इन्होंने. हाँ, उठा के देते. परदेसी साहब ने बोले उठा के देते. एक तो गेट तोड़ डाले पूरा कब्रिस्तान का. मौता में जो लोग आते हमारे लीडर को मैं को टोकते रहते कोई भी. हाँ, कि भैया तुम लोग देख रेख कर रहे नहीं क्या कब्रिस्तान की. हाँ, पूरा पानी अंदर कब्रिस्तान में, खबरों में घुस जा रहा. कोई तवज्जो नहीं दे रहे हमारी तरफ. मतलब ही नहीं आता हमको ये. आप इधर हवा हवा करते चल जाते. कमिश्नर साहब ने आके सर्वे करना चाहिए. नीचे के अधिकारी कोई देखते नहीं. जी आओ करके चल जाते हम लोगों को. कॉर्पोरेशन जो काम हो रहा है ये हमेशा काम होता है ये. और ये कचरा बाजू साइड में जमा लेते हैं. ये कचरा बाद में 2-3 महीने बाद फिर कचरा अंदर चल जाता है. ये अधिकारी जो है वार्ड इंचार्ज जो है, ये वार्ड जो अधिकारी है ये सिर्फ मिली भगत है. ये कॉन्ट्रेक्टर देते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं. ये हमेशा ट्रक लाते हैं, हमारे बिन तोड़ते कब्रिस्तान की. ये बना के दिए नहीं, आज तक बना के दिए नहीं. गेट तोड़े, आज तक बना के दिए नहीं. हमारा विनती है कमिश्नर साहब से, वो पर्सन है विजिट करे और देखिए हमारी क्या परेशानी है. हमारे धार्मिक कब्रिस्तान को तकलीफ हो रही है. कब्रिस्तान में पानी आता है, बदजनर आते हैं, वो तकलीफ होती है. हमने कई एप्लीकेशन दिए. अरे नाले डीप नहीं करा जाता है, खाली ऊपर से फॉर्मेलिटीज करी जाती है खाली नाले की. बाद में वैसे नाला रहता है और वो कचरा हर साल निकलता है, हर साल डाला जाता है. हम कार्पोरेशन में उपेक्षण को बढ़ जाएंगे. हम बहुत परेशान हो गए.